भाई श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के वनवास जाने से भरत और शत्रुघ्न व्याकुल हो उठे। भरत ने राज्य नासिबगार करने का निर्णय लिया और तुरंत ही अपने भाई श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी को वापस लाने के लिए निकल पड़े। तुमने क्या कहा मेरे भाई, हमारे पिताश्री नहीं रहे? हाँ भैया, स्वर्ग को सिधार के पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए अभागी राम को, क्षमा कर दीजिए अपने बेटे को पिताश्री। भैया मेरी विनती सुनिए, मुक्त कर दीजिए मेरी माँ के अपराध से। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए अपने राजपाट को जो केवल आपका है। भरत, हमारी पूज्य माँ ने क्या किया अभी वो प्रश्न नहीं है। मत भूलो, महान सम्राट राजा दशरथ ने आज्ञा दी है हम दोनों को कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों तक वन में ही रहूं। इसीलिए हमारा धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करें, चाहे वो हमें पसंद हो या ना। आपकी आज्ञा मिल गई, अब चिंता नहीं मुझे। पर मैंने ये निश्चय किया है, यह राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा, ये आपका है। कृपया आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य को धैर्य और साहस से निभा सकूं। अब मैं राज संभालूंगा अगले 14 वर्षों तक, परंतु आपके लौटने तक।